किचन आज हम लोग बनाएंगे ओल कोचू यानी कि जिमी कांदा की एक हेल्दी सी सब्जी। चलिए बनाना शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। देखिए इतना छोटा छोटा टुकड़ा, और साथ में एक आलू को भी मैंने इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़े पे काट लिया है। देखिए इस तरह से, और इन सबको काटने के बाद मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। चलिए अब बनाना शुरू करेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है, ये सरसों तेल में मैं बना रही हूँ। जैसे तेल गरम हो जाए हम लोग डाल लेंगे थोड़ा सा जीरे का तड़का, आधा चम्मच, और डाल के हम लोग एक तेज पत्ती को दो टुकड़ा करके डाल देंगे। साथ में हम लोग डालेंगे जो कटे हुए आलू और कटा हुआ जिमी कांदा यानी कि ओल कोची जो है वो हम लोगों ने रखा था वो। अब इसको अच्छे से करेंगे, इसको हम लोग को अच्छे से थोड़ा फ्राई करना है। तो फ्राई करने से पहले हम लोग ये फ्राई करेंगे लेकिन हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के। तो हम लोग पहले मिला ले रहे हैं करीब एक बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में स्वाद अनुसार नमक। देखिए इस तरह से अब हम लोग इसको करेंगे मिक्स, और थोड़े थोड़े देर में चला के हम लोग इसको फ्राई करेंगे। ये थोड़ा सा फ्राई हो गया है हल्का सा, इसको और थोड़ा सा फ्राई करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग इसमें डाल लेंगे करीब 15 से 20 हरी मिर्च। ये जो कुकिंग है ये हरी मिर्च से होने वाली है, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो मिर्ची की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखी हुई है। अगर आप तीखा कम खाते हो तो आप 4-5 हरी मिर्च इसको कम कर लें, और फिर इसको वापस हम लोग फिर से फ्राई करेंगे। जब तक ये अच्छा सा करारी लाल नहीं हो जाती तब तक हम लोग इसको फ्राई करेंगे। ये अच्छा सा फ्राई हो गया है, ये देखिए मैं आपको पलटा कर दिखाऊं। देखिए बस इतना ही हम लोगों को इसको फ्राई करना है। अब इसमें हम लोग डाल लेंगे पानी, पानी जितना के इन सब्जियों को पकने के लिए चाहिए, और हल्की सी थोड़ा सा ग्रेवी वाली सब्जी बनती है ये तो उसके लिए। और अच्छे से इसको करें मिक्स। देखिए पानी डालने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरे का पाउडर। ये मैंने जो जीरा है उसको ड्राई रोस्ट कर लिया था, फिर ठंडा होने के बाद पीस के उसको पाउडर बना लिया है। यहाँ पर मैंने करीब 2.5 चम्मच जीरे का पाउडर, जो भुना हुआ जीरे का पाउडर है वो यूज़ किया है। अब इसको हम लोग कर देंगे मिक्स, और इसको अच्छे से पकने देंगे जब तक ये सब्जियाँ अच्छे से नरम नहीं पड़ जाते हैं। इसका पानी जो है वो काफ़ी मात्रा में रिड्यूस हो गई है, और ये सब्जी जो है बिल्कुल पक चुकी है। आप चाहें तो थोड़ा सा दबा के देख लें, बिल्कुल पक चुकी है ये सब्जी। तो अब हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे घी, ये शुद्ध देसी गाय का घी है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। बस अब हम इसको और नहीं सुखाएंगे, क्योंकि इतनी सी जो ग्रेवी है ये मैं हमको चाहिए, तो इसीलिए इतनी सी ग्रेवी मैं रखूँगी। अब इसमें हम लोग मिला लेंगे घी। देखिए बड़ा करीब 1.5 चम्मच मैं घी इसमें यूज़ कर रही हूँ। अब इसको हम लोग मिक्स करेंगे और उतार के गर्मा गर्म स्टीम राइस के साथ इसको सर्व कर लेंगे। बनके तैयार है जिमी कांदा की यानी कि जो ओल कोचू होता है उसकी सब्जी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो नए विजिटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।